कितने मुस्लिम वोटरों ने दिया बीजेपी को वोट, कितने गए कांग्रेस के साथ, एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे। लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल नतीजों से पहले किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं उस तरफ इशारा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब हर दल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी सरकार बनने वाली है। हालांकि 4 जून को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। इस चुनाव में कुछ खास वर्ग ऐसे रहे हैं जिनके चुनावी पैटर्न को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई है। ऐसा ही वोटर्स का एक वर्ग मुस्लिम मतदाताओं का रहा है जिन्हें लेकर तमाम तरह की बातें की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों में मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि वे यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में RJD, पश्चिम बंगाल में TMC और राजस्थान में कांग्रेस जैसे दलों के साथ जाते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है कि इस बार मुस्लिम मतदाता किधर जाने वाले हैं। रिपब्लिक टीवी के पी मार्क सर्वे में इसकी जानकारी दी गई है। पी मार्क सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 72% मुस्लिम मतदाता वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर 4 में से 3 मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कांग्रेस रही है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से संदेश मिल रहा है कि उनकी कुछ जातियों को OBC कैटेगरी में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि पी मार्केट सर्वे में ये नहीं बताया गया है कि बीजेपी को कितने फीसदी मुस्लिम वोट मिले हैं, मगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। OBC का भरोसा बनी बीजेपी। पी मार्क सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को 59% OBC वोट मिल सकते हैं, जबकि महिलाओं का भरोसा भी बीजेपी पर ही है। 49% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल सकता है। इसी तरह से 36 से 45 साल के 45% वोटर्स भी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। 49% SC, 42% ST वोट भी बीजेपी को मिल सकता है। देश भर में बीजेपी को 40% वोट हासिल हो सकते हैं।